हेलो एंड वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ साइंस एकेडमी। हम लोग लास्ट वीडियो में सेट्स क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, सेट थ्योरी, इसको हम लोग डिस्कस कर लिए थे, है ना। सेट में हम लोग क्या देखे थे, सेट्स का डेफिनेशन, उसके बाद सेट्स का रिप्रेजेंटेशन, ये दो चीज़ देखे थे। और हम लोग एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4, ये चार क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। तो हम बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल 5 का डिस्कशन करेंगे, लेकिन देखें कि एग्जाम्पल 5 बहुत ज़्यादा ईजी, ठीक है। तो स्क्रीन पे आ रहा है, इसको देख लीजिए, है ना। और ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से कर लीजिए, पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाइए। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज का डिस्कशन शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 1.1, है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे, सेट्स का एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। 1 by 1 क्वेश्चन हम लोग सारे क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखें, है ना। क्वेश्चन नंबर वन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स, इसमें से कौन सा सेट है पूछा गया है ना, जस्टिफाई योर आंसर। तो अगर हम लोगों को कोई सेट है या फिर नहीं है ये बताना है, तो फिर क्या होना चाहिए, सेट का डेफिनेशन आना चाहिए, ठीक है। तो हम लास्ट क्लास में बताए थे सेट्स का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, है ना। वेल क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, किसी भी चीज का कलेक्शन, ठीक है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। और वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है, ना फर्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ठीक है। हम लोगों को क्या बोला है, वैसे मंथ्स का कलेक्शन बनाइए, ठीक है, जिसका जो फर्स्ट लेटर है किससे स्टार्ट होता है, जे से स्टार्ट होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये इंग्लिश के मंथ्स की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश के मंथ्स किस तरह से होते हैं आप लोगों को सबको पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो हम लोगों को सेट किसका बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक ईयर में जितना भी मंथ्स होता है सारा का कलेक्शन, जिसका जो फर्स्ट लेटर है वो जे है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये जनवरी है, जनवरी में जे से स्टार्ट हो रहा है, जून जे से स्टार्ट हो रहा है और जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इस पार्टिकुलर सेट का बात किया जा रहा है, ये कौन सा सेट है, ये सेट है किसका, जनवरी, जून और जुलाई का सेट है। चलिए सेट का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। और ये दुनिया के किसी भी इंसान को पूछेंगे कि मंथ्स के उस मंथ्स का कलेक्शन बताइए जो जे लेटर से स्टार्ट होता है, वो यही बताए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हम लोगों को क्या पूछा गया है, इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ठीक है, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। तो इसमें, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, महादेवी वर्मा की बात कर लेते हैं हम लोग। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स में महादेवी वर्मा आ सकती है किसी के लिए, किसी के लिए नहीं आ सकती है। जो न्यू एरा के बच्चे हैं उन लोगों को न्यू एरा के राइटर्स पसंद होंगे, ठीक है। और जो पोस्ट एरा के बुजुर्ग हैं उन लोगों को क्या लगेंगे कि पोस्ट एरा के जो राइटर्स हैं मुंशी प्रेमचंद जैसे, वो लोग अच्छे लगेंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, इसीलिए ये नॉट सेट, ये सेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, ठीक है। हम लोगों को तीसरा नंबर पे क्या करने के लिए दे रहा है, वर्ल्ड के 11 बेस्ट बैट्समैन का क्या बनाना है, हम लोगों को कलेक्शन करना है, ठीक है। तो होता ये है कि अगर इंडियंस को क्या रहता है, इंडियन बैट्समैन पसंद होते हैं, ऑस्ट्रेलियन को ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन पसंद होते हैं। तो ये भी कलेक्शन जो बनने वाला है, ये कैसा बनने वाला है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला क्या बनने वाला है, ये सेट बनने वाला है। ये हर एक इंसान के लिए 10 बेस्ट बैट्समैन अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए ये सेट नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। तो ये सेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, ठीक है, मिटा लेते इसको हम लोग। आप लोग कॉपी पेन लेके पढ़िए, है ना, जो भी डाउट होगा उसको क्या कीजिएगा, लिखते जाइएगा,
उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, उसका जवाब हम जरूर देंगे, है ना। और अगर मतलब क्या बोलते हैं, कुछ लगता है आपको नोट करना चाहिए तो उसको नोट करते हुए चलिए साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, द कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज इन योर स्कूल, सॉरी इन योर क्लास, ठीक है। आपका जो क्लास है, क्लास आप कौन से में, ट्वेल्थ क्लास में, ठीक है। ट्वेल्थ क्लास में जितने बॉयज हैं, ट्वेल्थ बॉयज, इसका एक सेट बनेगा। और ये कैसा होगा, वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड होगा, इसीलिए ये एक सेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर फाइव, द कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोलता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो सेट का नाम हम लोग दे देते हैं, चलिए एन ही दे देते हैं। क्या है, 1, 2, 3, 4, इस तरह से कहां तक, लेस देन 100 मींस 99 तक जाना, ठीक है। सारा नेचुरल नंबर हम लोग लिख लिए, तो ये भी क्या है, हम लोग का वेल डिफाइंड है। ये क्या है, वेल डिफाइंड है, ये किसी को भी पूछा जाए तो यही बताएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये एक सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, है ना, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, द कलेक्शन ऑफ द नोबेल राइटर्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अच्छा अच्छा चलिए, यहाँ मुंशी प्रेमचंद का डिस्कशन है। हम लोगों को क्या पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए नॉवेल्स का जो सेट होगा वो, मैंने उसको हम लोग सेट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद कुछ नॉवेल्स लिखे होंगे हम लोग का, हो सकता है 20, 25, 23 कुछ भी नॉवेल्स लिखे हैं, उसका एक वेल डिफाइंड सेट बनेगा। मुंशी प्रेमचंद तो एक ही है ना, और उनके द्वारा रिटन जो नॉवेल्स हैं वो भी पार्टिकुलर है, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो ये भी क्या आएगा हम लोगों का, वेल डिफाइंड आएगा। नेक्स्ट देखिए, है ना, सिक्स नंबर, इसी का सिक्स नंबर क्वेश्चन, सॉरी सेवन नंबर, सिक्स तो हमने डिस्कस कर लिया ना, सेवन, द कलेक्शन ऑफ द ऑल इवन इंटीजर्स, जितना भी इवन इंटीजर्स है सारा का कलेक्शन, ये भी वेल डिफाइंड है, 2, 4, 6, 8 इस तरह से इंफिनिटी तक, -2, -4, -6, -8 इस तरह से, ये कहाँ तक, नेगेटिव इंफिनिटी तक। तो ये जो कलेक्शन है ये भी वेल डिफाइंड है, इसीलिए ये भी क्या है हम लोगों का सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन एट देखिए, एट में क्या है, कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्लास इलेवेंथ का सेट, ठीक है। इस सेट चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है, ठीक है, क्वेश्चंस का कलेक्शन, ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है। ये किसी भी आपकी क्लास ट्वेल्थ के किसी भी स्टूडेंट को अगर बोल दिया जाए कि सेट के जितने क्वेश्चन हैं उसको एक बुक में लिखिए या कॉपी में लिखिए, तो सबका क्या होगा, सेम होगा, कॉपी में सारे क्वेश्चन सेम होंगे, इसीलिए ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट, ठीक है। ये क्या है, सेट। नेक्स्ट देखिए, ये एट हो गया ना, नेक्स्ट नाइन, नाइन क्या है, कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस, ठीक है, डेंजरस एनिमल पूछा गया है, जानवर, ठीक है। तो ये भी क्या है, जगह के हिसाब से क्या करता है, सब अलग अलग बताया, किसी को शेर डेंजर लगता है, किसी को बाघ डेंजर लगता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, नॉट वेल डिफाइंड, ये क्या है, नॉट वेल डिफाइंड, क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर टू क्या है देखिए, है ना, लेट ए इक्वल टू, लेट ए, ए क्या दिया गया है, एक सेट दिया गया है, और ए, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर टू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर टू सेट चैप्टर का, लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ए एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिम्बॉल, हम लोगों को क्या करना है, इसमें अप्रोप्रिएट सिम्बॉल्स डालना है, सिम्बॉल्स क्या क्या हम लोगों के पास, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, इसके बारे में हम लोग लास्ट जो वीडियो था इसमें डिस्कस किए थे, कहाँ बिलोंग्स टू होगा और कहाँ नॉट बिलोंग्स टू होगा, ठीक है, इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 5... ए, ठीक है, यहाँ पर भरना है बिलोंग्स टू या फिर नॉट बिलोंग्स टू। ये जो 5 है, 5 क्या है, ए सेट से बिलोंग करता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बिलोंग्स टू लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे है 8... ए, यहाँ पर क्या होगा, 8 सेट ए से बिलोंग करता है या नहीं करता है, सेट ए से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट 8 नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखिए थर्ड नंबर, थर्ड क्या है, 0... ए, तो 0 सेट ए से बिलोंग करता है या नहीं करता है,
ठीक है, जीरो नहीं करता है तो फिर हम होंगे क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोलता है, फोर डैश 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 ए, यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है फोर बिलोंग करता है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू। ठीक है, नेक्स्ट फाइव है टू डैश 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 ए, तो टू भी क्या है हम लोग का सेट ए से बिलोंग करता है तो बिलोंग्स टू। और सिक्स टेन डैश 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 ए, यहाँ पर फिर करना हम लोग को बिलोंग्स टू होगा या नॉट बिलोंग्स टू, तो टेन देखिए यहाँ पर कहीं पर बिलोंग नहीं कर रहा है, मैंने सेट ए का हिस्सा नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है ना बच्चा लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। यहाँ पर क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको क्या करना है हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए है ना, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। यहाँ पर क्या है, सेट्स को किसमें दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको क्या करना है हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है ए इक्वल टू एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स के बारे में क्या बताया गया है, एक्स इज एन इंटीजर, सबको पता है इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है पूर्णांक संख्या, ठीक है ना, पूर्णांक संख्याओं को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। एंड और क्या बताया गया है, माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू सेवन, ठीक है, ये मतलब एक्स जो होगा वो क्या होगा, माइनस थ्री से तो बड़ा होगा लेकिन सेवन से छोटा होगा, ठीक है, और एक्स साथ में क्या है, एक्स पूर्णांक भी है, तो हम लोगों का माइनस थ्री थ्री के बराबर है लेकिन सेवन का बराबर नहीं है, तो माइनस थ्री और उससे बड़ा, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ये सारा आ जाएगा इस सेट के अंदर में, ठीक है, इसका नाम ए दिया गया है तो यहाँ पर हम लोग ए लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सेवन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि सेवन के साथ इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी किसके साथ है, माइनस थ्री के साथ, तो यहाँ पर माइनस थ्री को लिखे हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, टू क्या है, बी इक्वल टू एक्स, बी क्या है हम लोग का एक्स है, और एक्स के बारे में बताया गया है, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, एक्स क्या है हम लोगों का नेचुरल नंबर है और क्या है लेस देन सिक्स है, तो लेस देन सिक्स जितना नेचुरल नंबर होगा सारा को लिख लेंगे हम लोग, और ये नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर होता क्या है, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या हम लोगों को पता है क्या क्या होता है, वन टू थ्री फोर गिनती वाली संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, तो इसे प्राकृतिक संख्या जो छह से कम हो क्या हो जाएगा, वन टू थ्री फोर और फाइव, ये हम लोगों का सेट डी हो गया। ये हम लोगों को किसमें दिया हुआ था, सेट वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था, इसको हम लोग क्या किए रोस्टर फॉर्म में लिख लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री इसी का डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री में है, थ्री सेट का नाम दिया हुआ है सी, साथ में एक्स, एक्स सच देट एक्स इज ए टू डिजिट नेचुरल नंबर, एक्स क्या हम लोगों का टू डिजिट नेचुरल नंबर, टू डिजिट बहुत सारे नेचुरल नंबर होता है, 10 से स्टार्ट हो जाता है, 10 11 12 से कहाँ तक, 99 तक, ठीक है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, और साथ में क्या बताया गया है, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, ठीक है ना। तो क्या है कि ये सेट सी जो है, सी के बारे में क्या बताया गया हम लोगों को, ये टू डिजिट नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, और टू डिजिट कैसे नेचुरल नंबर, जिसका डिजिट्स का सम, जैसे हम लोग 11 लिखते हैं ना, 11th में डिजिट का सम कितना हो रहा है, 1 प्लस 1 2, ठीक है, अगर हम लोग 14 लिखते हैं तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, डिजिट्स का सम कितना आ रहा है 5, तो ऐसे ही नंबर्स है ना। तो देखिए सबसे पहला क्या आ जाएगा, 17, 17 में 1 और 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हम लोगों का 26, 17 के बाद 26 ऐसा नंबर है जो क्या होगा, दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, दोनों डिजिट्स को ऐड कर देने से 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बोलिए, 35, नेक्स्ट 44, फिर 53, फिर 62, 71 और 80, ठीक है ना। चलो देखो ना, ये वो नंबर्स है जो क्या है, जिसको जो टू डिजिट्स नेचुरल नंबर है
और इसको ऐड करने से क्या आता है, इसके डिजिट्स का सम 8 आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लिए, ठीक है, जो कि काफी आसान था, थोड़ा सा खाली समझना था, है ना। ठीक है, डी नंबर देखिए, डी क्या है, डी एक सेट है जो क्या है एक्स, डी क्या है एक्स, और एक्स के बारे में बताया गया है एक्स इज प्राइम नंबर। एक्स क्या बताया गया है, एक्स इज प्राइम नंबर, ठीक है, व्हिच इज डिविजर ऑफ 60, व्हिच इज डिविजर ऑफ 60, ठीक है। तो ये x के बारे में बताया गया कि x क्या होगा हम लोगों का सेट का प्राइम नंबर्स होगा, और जो क्या होगा 60 का डिविजर होगा, 60 का डिविजर है, इट मीन्स हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और प्राइम फैक्टराइजेशन करना सबको आता है। क्या करेंगे इसको, पहले 2 से तो कितना आ जाएगा 30, फिर 2 से 15, फिर क्या 3 से 5, ये क्या हो गया हम लोगों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, क्लियर ना। चलो तो देखो, हाँ तो ये सेट के अंदर में क्या आ जाएगा, डी सेट के अंदर में 2, 2, 3, 5। लेकिन हम पिछला क्लास में बताया था आप लोगों को, सेट के अंदर में अगर रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स है तो क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 2 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो एक 2 को हम लोग हटा सकते हैं, तो हम लोग का क्या बन गया सेट 2, 3 और 5। ठीक है, चलिए और 2 क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 5 नंबर, ठीक है, सेट का नाम क्या है E, और ये क्या है, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है TRIGONOMETRY, इसके जितने भी लेटर्स हैं, यहाँ पर एक टी एक लेटर है, आर एक लेटर है, इस तरह के जितने भी लेटर्स हैं उसके लेटर्स का क्या बना हुआ है, एक सेट बना हुआ है। ठीक है, तो ये सेट बनाने के लिए अगर हम लोग को बोल रहा है तो ये काफी आसान है, हम लोग क्या करेंगे, टी एक लेटर है, उसके बाद आर एक लेटर है, उसके बाद आई एक लेटर है, उसके बाद जी एक लेटर है, उसके बाद ओ एक लेटर है, उसके बाद एन एक लेटर है, ओ फिर एम फिर ई फिर टी फिर आर और वाई, ये हम लोग का सेट बन गया। ठीक है ना, लेकिन फिर से क्या है, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। जैसे यहाँ पर ओ और यहाँ पर फिर ओ, हम लोग 2 ओ नहीं लिख के क्या करेंगे, एक ही ओ को लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, तो 2 होने का कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखिए, आई आई सिंगल है कोई बात नहीं, जी सिंगल है, ओ एन एम ई आर वाई, आर रिपीट कर रहा है तो एक आर को हम लोग मिटा देंगे। तो ये सेट बनाने के लिए हम लोग को बोला जा रहा था टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, ये हम लोगों का क्या हुआ, वो सेट बन गया जो ट्रिग्नोमेट्री के लेटर्स से बनता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, है ना, अच्छा उसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 भी, एक वर्ड दिया हुआ है बेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक वर्ड दे दिया गया है BETER, इसके वर्ड्स, इस वर्ड के लेटर्स के कलेक्शन से क्या करना है, एक सेट बनाना है, सेट का नाम F दिया हुआ है, क्या करेंगे यहाँ पर BETER, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए TT 2 बार रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेशन सेट के अंदर में क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक टी को हटा देंगे। ठीक है, अब ठीक है, अब भी नहीं है, यहाँ पर ई रिपीट कर रहा है तो एक ई को भी हटा देंगे। ठीक है ना, तो जो सेट बना वो क्या बना, BETER का सेट बना। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप लोग वीडियो देखते रहिए। ठीक है, अगर कहीं पर भी समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, अच्छा लगता है तो भी बताइए, बुरा लगता है तो भी बताइए। ठीक है ना,